कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल महारानी विक्टोरिया की याद में बनी यह खूबसूरत संरचना एक संग्रहालय है। यह 1906 से 1921 के बीच निर्मित एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश स्मारक है और इसका आर्किटेक्चर हर किसी को प्रभावित करता है। इसके बारे में कई रोचक तथ्य हैं, जो इस जगह को और भी खास बनाते हैं। ताजमहल की तरह ही विक्टोरिया मेमोरियल भी राजस्थान के मकराना मार्बल्स में बनाया गया है। गुंबद और इसकी अन्य आर्किटेक्चरल डिजाइन ताज के डिजाइन से मिलती जुलती है। यह ब्रिटिश और मुगल वास्तुकला का एक आदर्श मिश्रण है, जिसे इंडो-सासेनिक रिवाइवल आर्किटेक्चर रूप में भी जाना जाता है, जिसे 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने बहुत फॉलो किया था और जब इसे बनाया गया था तब इसकी कुल लागत 1.5 करोड़ रुपए थी। यह विक्टोरिया मेमोरियल से जुड़ा सबसे रोचक तथ्य है। आज जहां पर विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है, वहां पर यह स्मारक बनने से पहले प्रेसिडेंसी जेल थी, जिसमें ब्रिटिश राज के राजनीतिक कैदियों को रखा जाता है। प्रेसिडेंसी जेल में बंद कुछ सबसे प्रसिद्ध कैदियों में श्री अरबिंदो, एक दार्शनिक, और सुभाष चंद्र बोस आदि थे। उनके नाम पर कोलकाता एयरपोर्ट का नाम रखा गया था। बाद में निर्माण के लिए योजनाएं बनने के बाद जेल को अलीपुर में शिफ्ट कर दिया गया। 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद उनके सम्मान में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किया गया था। ब्रिटिश राज 1858-1947 के समय में कोलकाता भारत की राजधानी थी और महारानी विक्टोरिया वह महारानी थी जिन्होंने उप भारतीय महाद्वीप पर शासन करने वाले ब्रिटिश क्राउन को पहना था। 1901 में जब उनकी मृत्यु हुई तब लॉर्ड जॉर्ज कर्जन द्वारा कोलकाता में एक आपात बैठक आयोजित की गई थी। उस समय वे भारत के वायसराय थे। उन्होंने यह सुझाव दिया कि उनकी स्मृति में विशाल गार्डन के साथ एक म्यूजियम बनाया जाना चाहिए। वह चाहते थे कि यह इतना भव्य हो कि आने वाले वर्षों में कोलकाता आने वाले सभी पर्यटक अपनी आंखों के सामने अतीत को पुनर्जीवित होते हुए देखें और उसे याद करें। इसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किया गया।